नवी मुंबई नेटवर्क। पाटिल के नेतृत्व में आयोजित दो दिवसीय तुर्भी प्रीमियर लीग 2023 सीजन 4 का शानदार समापन समारोह तुर्भी स्थित श्री रामतनु माता क्रीडांगण मैदान में जोशो खरोश के साथ संपन्न हुआ, जहां इस अवसर पर युवा नेता निशांत पाटिल के साथ मौजूद थी पूर्व नगर सेविका शुभांगी पाटिल, पूर्व नगर सेविका शशिकला पाटिल और तुर्भी के तमाम प्रतिष्ठित मान्यवर। बेहद उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न इस ग्रैंड तुर्भी प्रीमियर लीग के फिनाले मुकाबले में तुर्भी लॉबस्टर और मैरलिन तुर्भी के बीच जोरदार क्रिकेट मैच खेला गया, जहां तुर्भी लॉबस्टर ने तुर्भी मैरलिन को हराकर चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम दर्ज की। इस दौरान मैदान में जोश, उत्साह, आतिशबाजी, फायर क्रैकर्स के बीच तुर्भी लॉबस्टर्स को निशांत पाटिल और तमाम मान्यवरों की मौजूदगी में चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रदान की गई। इस दौरान मैदान में जोश और उत्साह बेहद परवान पर रहा। वहीं फर्स्ट रनर अप ट्रॉफी के तौर पर तुर्भी मैरलिन को नवाजा गया, वहीं सेकंड रनर अप टीम रही तुर्भी क्रैब और चौथा पुरस्कार तुर्भी डॉल्फिन को प्रदान किया गया। इतना ही नहीं, बेस्ट फील्डर का खिताब उमेश कांबले, बेस्ट बॉलर सचिन साहू, बेस्ट बैट्समैन नमित पाटिल, इमर्जिंग प्लेयर राहुल कांबले, मैन ऑफ द सीरीज नमित पाटिल को गोल्ड कॉइन देकर प्रदान किया गया। वही हर साल की परंपरा को कायम रखते हुए इस साल भी तुर्भी प्रीमियर लीग में लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया गया, जहां लकी ड्रॉ के विजेताओं को बेहद आकर्षक पुरस्कार देकर नवाजा गया। तुर्भी मैदान में इस जोशीले माहौल ने ये साबित कर दिया कि टुगेदर वी स्टैंड फॉर स्पोर्ट्स एंड फॉर यूनिटी ऑफ तुर्भी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।